हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस। और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक यह है कि लिफ्ट एक्सेल। आप कोई कभी ट्रैक में देखे होंगे, जो बीच वाला जो एक्सेल है वो लिफ्ट कंडीशन में है, कभी रोड में टच कंडीशन में है। तो क्या कारण है लिफ्ट एक्सेल देने का, और लिफ्ट एक्सेल कौन सा कंडीशन में ऊपर जाता है फिर ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, और जैसे गाड़ी रिवर्स करते तो लिफ्ट एक्सेल क्यों ऊपर चला जाता है। तो ये सब तमाम जानकारी आज हम ये वीडियो से लेंगे। सो बने रहिए वीडियो को एंड तक, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि लिफ्ट एक्सेल क्यों दे गाड़ी में। 25 टन GVW जो गाड़ी है उसमें अगर लिफ्ट एक्सेल नहीं आता है, सो 25 टन GVW का जो गाड़ी है उसको ऊपर जो गाड़ी है जैसा 31 टन GVW, सो उसमें दो सेगमेंट आता है। एक है फिक्स्ड एक्सेल रहता है जैसा फोर एक्सेल रहता है, और एक में आता है आपको लिफ्ट एक्सेल रहता है। यानी दो ऑप्शन है, एक फिक्स्ड एक्सेल एंड एक लिफ्ट एक्सेल ऑप्शन भी आते हैं। तो लिफ्ट एक्सेल ऑप्शन क्यों दे, अगर लिफ्ट एक्सेल ऑप्शन देंगे तो, क्योंकि मैं शुरू से बोलता हूं ऐसा, हर एक्सेल का एक लोड कैपेसिटी रहता है। जैसे रोड बनता है तो रोड के हिसाब से हर एक्सेल का लोड डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है। एक एक्सेल में ज्यादा लोड देंगे तो वहां पे रोड डैमेज होने का चांसेस है। सो इसीलिए ऑटोमोबाइल जो रूल बुक है उसी के हिसाब से हर एक्सेल का अलग अलग लोड कैपेसिटी फिक्स कर दिया गया। वो है फ्रंट एक्सेल का जैसे लोड कैपेसिटी 6 से 6.5 टन के अंदर ही रहना चाहिए, या रियर एक्सेल का जो लोड कैपेसिटी है वो 10 टन से 11 टन के बीच में या 12 टन के बीच में रहना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो एक ही जगह में आपको स्टैटिक लोड ज्यादा हो जाएगा, सो रोड खराब होने का चांसेस है। सो जितना आप GVW गाड़ी में बढ़ाएंगे यानी ग्रॉस व्हीकल वेट जितना हाई करेंगे, तो उतना एक्सेल का जो एक्स नंबर ऑफ एक्सेल वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोड शेयरिंग के लिए हर आपको व्हील है या एक्सेल के ऊपर जो लोड आते हैं रोड के ऊपर वो लोड शेयरिंग के लिए। सो इसीलिए 31 टन या 37 टन या 41 टन जो गाड़ी है उसमें का आपको लिफ्ट एक्सेल जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर 31 टन GVW का गाड़ी है, फोर एक्सेल गाड़ी है, उसमें वन लिफ्ट एक्सेल, उसमें एक ही फायदा है, जैसा आपको कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी एम्प्टी एम्प्टी जा रहा है कहीं से कहीं। सो उसके लिए आप लिफ्ट एक्सेल ऊपर रहेगा, और लिफ्ट एक्सेल ऊपर रहने से एक फैसिलिटी है कि आपको टायर वायर ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दो एक एक्सेल का दो टायर ऊपर है, सो टायर वायर कभी कम होगा, काफी कम होगा। नेक्स्ट है आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी हाई मिलेगा, क्योंकि हर टायर अगर रोड पे चलेगा तो उसी हिसाब से पावर भी ज्यादा जरूरत पड़ता है। सो आपको फ्यूल एफिशिएंसी काफी हाई मिलेगा। अगर आप 25 टन GVW गाड़ी का वेट या सामान मिला के अगर 25 टन हुआ, तो उसके लिए लिफ्ट एक्सेल का यानी फोर्थ नंबर जो एक्सेल है उसको जरूरत नहीं है। आप तीन एक्सेल में गाड़ी लेके जा सकते हैं, ये एक काम के लिए है। अगर दूसरा काम जैसे 25 टन के ऊपर अगर 31 टन आपको लोड ले जाना है, तो उसके लिए एडिशनल एक्सेल ऑटोमेटिक जमीन में आ जाते हैं। सो उसमें आप 31 टन GVW लेके भी जा सकते हैं, और आपको 25 टन GVW लेके भी जा सकते हैं। सो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग आप काम कर सकते हैं। तो ये था फैसिलिटी था लिफ्ट एक्सेल का, और लिफ्ट एक्सेल का जो लिफ्ट एक्सेल वो कैसे ऑटोमेटिक आप नीचे आ जाते हैं लोड के हिसाब से, सो वो वाला पोर्शन आज देखेंगे ये डायग्राम के द्वारा। उसके बाद मैं बताऊंगा जैसा शुरुआत में बताया, जैसे लिफ्ट एक्सेल क्यों, जैसे गाड़ी रिवर्स चलते हैं तो लिफ्ट एक्सेल क्यों ऑटोमेटिक लिफ्ट ऑफ हो जाता है, लिफ्ट डाउन नहीं होता है। जैसे मैं फ्रंट गियर डालता तो ऑटोमेटिक लिफ्ट डाउन हो जाता है। सो ये सब कारण मैं आखिर में बताने वाला हूँ। पहले डायग्राम में चलते हैं। लिफ्ट एक्सेल अगर 31 टन ट्रैक की हो जाए तो एक लिफ्ट एक्सेल रहता है, वो बिल्कुल फ्रंट रियर एक्सेल रहता है। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, मेन है आपको लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व होता है, जो लिफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिक अप डाउन के लिए जो कंट्रोल वाल्व है वो लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व होते हैं। देन होता है आपको लिफ्ट बेलो, लिफ्ट एक्सेल को ऊपर ले जाना और नीचे ले आने के लिए लिफ्ट बेलो रहता है, दोनों साइड में दो रहता है, यानी एक एक्सेल का राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में है, यह लिफ्ट बेलो दोनों। और ये लोड बेलो, एक्सेल को लोड देने के लिए, जमीन में लोड टिकने के लिए, बराबर टिकने के लिए लोड लेने के लिए ये लोड बेलो है दोनों। अब एयर फुगर जैसा जो बेलो रहता है रबर के, वो है लोड बेलो दो और लिफ्ट बेलो दो। और लोड बेलो जो है उसको एयर जल्दी निकालना के लिए आपको क्यू आर भी दोनों लगा रहता है। कोई कोई लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व का एक ही बोर्ड से दोनों का कनेक्शन रहता है, सो उसमें आपको क्यू आर भी एक रहेगा। और जिसका दो डिलीवरी पोर्ट कनेक्शन है, ये जो दो डिलीवरी पोर्ट है उसके लिए दो क्यूआर भी रहेगा, क्विक रिलीज वाल्व, लिफ्ट एक्सेल से एयर जल्दी निकालने के लिए क्विक रिलीज वाल्व दिया जाता है। और नेक्स्ट आता है लोड सेंसिंग वाल्व, LSV, लोड सेंसिंग वाल्व, जो जिससे कनेक्शन रियर एक्सेल के ऊपर रहता है वो अगर मैं बताऊंगा।
और एक है प्रेशर रिड्यूसर वाल्व, जो लोड सेंसिंग वाल्व का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए प्रेशर रिड्यूसर वाल्व, और ये है एयर रिजर्वर टैंक, अलग से एयर रिजर्वर टैंक। मैं काफी सारे एयर ब्रेक का वीडियो जो हमारे चैनल में है उसी में मैं बताया, जो एडिशनल काम के लिए 24 नंबर पर डीडीयू में रहते हैं, वो 24 नंबर से जो एयर प्रेशर निकलता है वो एडिशनल काम के लिए, जैसा एयर हॉर्न, क्लच, गियर बॉक्स का डिफरेंशियल लॉक, उसके उसकी जैसा ये है आपको जो लिफ्ट एक्सल फंक्शन है उसी के लिए भी आपको डीडीयू से 24 नंबर जो क्यूएसपीवी क्वार्टर वेल सिस्टम प्रोटेक्शन के जो 24 नंबर जो पोर्ट से कनेक्शन आता है वो है एयर टैंक। सो अगर आपको एयर ब्रेक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हमारे चैनल में जरूर जाइए, वहां पे ढेर सारे एयर ब्रेक का लेके वीडियो बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन में, जैसा गाड़ी गाड़ी में लोड नहीं है बिल्कुल, गाड़ी एम्प्टी है, ट्रक एम्प्टी है, तो उसी में अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सिस्टम में अगर फुल एयर रहेगा तो क्या होगा, लिफ्ट एक्सल ऑफ रहेगा, यानी ये जो लिफ्ट बेलो है ये दोनों बेलो एकदम बिल्कुल चार्ज रहेगा, चार्जन से क्या होगा जैसे फुल जाएगा तो एक्सल को लिफ्ट कर लेगा, लिफ्ट अप कर लेगा, ऊपर उठा लेगा एक्सल को। तो एक काम करता है जैसा एयर टैंक एयर फुल है, सो एक एयर टैंक कनेक्शन डायरेक्ट अप तो लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व है उसमें है, और यहाँ पे दो डिलीवरी पोर्ट है, ये है डीईएल डिलीवरी, ये भी डिलीवरी, ये भी डिलीवरी, ये भी डिलीवरी पोर्ट है, और सॉरी ये डिलीवरी पोर्ट है, और एक आता है लोड सेंसिंग वाल्व से सेंसिंग पोर्ट है, ये है सेंसिंग पोर्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गया, एयर टैंक में एयर आ गया तो वो एयर डायरेक्ट आपको लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व में आएगा। लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व देखिए, क्योंकि ये काम करता है लोड सेंसिंग वाल्व के हिसाब से, गाड़ी में लोड है कि नहीं है वो सेंस करेगा लोड सेंसिंग वाल्व। तो जैसा गाड़ी एम्प्टी है, कुछ लोड नहीं है गाड़ी में, सो लिफ्ट एक्सल वाल्व क्या करेगा, ये आपको जो लिफ्ट बेलो है लिफ्ट बेलो दोनों में एयर प्रेशर सप्लाई करेगा, जैसा एयर प्रेशर सप्लाई करेगा तो एक्सेल आपको ऐसे ऊपर तरफ चला जाएगा, एक्सेल एक्सेल आप लिफ्ट अप हो जाएगा, जमीन से ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, और ये जो लोड सेंसिंग वाल्व है, लोड सेंसिंग वाल्व में डायरेक्ट एयर प्रेशर, जैसा आपको लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व में एक कनेक्शन गया था ये वाला, डायरेक्ट इसमें भी कनेक्शन आएगा, बट लोड सेंसिंग वाल्व में डायरेक्ट 8.1 बार जो सिस्टम प्रेशर है वो डायरेक्ट नहीं आता, प्रेशर रिड्यूसर वाल्व है उसके बीच में, वो प्रेशर रिड्यूसर वाल्व कितना प्रेशर भेजता है लोड सेंसिंग वाल्व को, 5.5 से लेके 6.6 बार जो प्रेशर है वो प्रेशर लोड सेंसिंग वाल्व को भेजता है। ये लोड सेंसिंग वाल्व जस्ट लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व को लोड सेंस करते हैं, गाड़ी में लोड है कि नहीं है वो सेंस करते इसको, सो इसके लिए इसको ज्यादा एयर प्रेशर का जरूरत नहीं है, इसीलिए प्रेशर रिड्यूसर वाल्व बीच में लगाए हैं। तो प्रेशर रिड्यूसर वाल्व होकर जैसा एयर लोड सेंसिंग वाल्व में आया, लोड सेंसिंग वाल्व के लीवर यानी लिंकेज है, ये लिंकेज है, ये लिंकेज डायरेक्ट रियर एक्सल का जो डिफरेंशियल है वो रियर एक्सल के ऊपर फीड होता है, ये जो दोनों लिंकेज है, लिंकेज थ्रो एक वाल्व रहेगा आपका चेसिस पोर्शन में फिक्स रहेगा थ्रो ब्रैकेट, और ये जो लिंकेज है ये लिंकेज आपको रियर एक्सेल के ऊपर फिक्स होता है। अगर पीछे दो रियर एक्सेल यानी एक डामी एक्सेल और एक लाइव एक्सेल रहे तो दोनों रियर एक्सेल का बीच में, जैसा एक यहाँ पे और एक एक्सेल है तो क्या होगा, दोनों एक्सेल का बीच में एक लंबा रॉड रहेगा पहले, और रॉड के ऊपर एक कंट्रोल वाला जो लीवर है वो लीवर फिट होगा। अगर सिंगल एक्सेल है पीछे रिवर्स में, सॉरी रियर एक्सेल सिंगल है तो डायरेक्ट रियर एक्सेल के ऊपर लगता है। तो जैसे गाड़ी हम लोड कर रहे हैं, लोड करने से क्या होगा, चेसिस, क्योंकि लोड सेंसिंग वाल्व चेसिस में फीड है और लीवर आपको एक्सेल से ऊपर फीड है। तो जैसे हम गाड़ी लोड कर रहे हैं, जैसा 25 टन तक या 25 टन के ऊपर जैसे गाड़ी लोड हो रहा है तो क्या होता है, चेसिस थोड़ा थोड़ा नीचे आता है, तो नीचे आने से क्या होगा, ये जो लीवर है ऊपर तरफ पुश होगा, चेसिस नीचे आएगा यानी लोड सेंसिंग वाल्व का पोजीशन थोड़ा नीचे आएगा, तो ये वाला लीवर पुश होगा, जैसा लीवर पुश होगा क्या करेगा, ये एयर सप्लाई करेगा आपको लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व को। जैसा 25 टन के ऊपर आपको, क्योंकि आपका जो जीबीडब्ल्यू गाड़ी का 31 टन है, 31 टन है वो जीबीडब्ल्यू है, जैसा 25 टन के ऊपर जाएगा तो लिफ्ट एक्सेल सॉरी लोड सेंसिंग वाल्व सेंस करेगा तो एयर प्रेशर आकर डायरेक्ट आपको लगेगा लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व में। जैसा लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व में ये एयर प्रेशर एंटर हो गया तो लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व सेंस मिल गया, जो गाड़ी का लोड एक्सेस होगा अभी ये जो लोड वेल है इसको हमको यानी एक्सेल को डाउन करना है, सो उसी समय ये क्या करेगा, पहले जो एयर प्रेशर डायरेक्ट इसमें और इसमें जा रहा था वो एयर प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों में एयर प्रेशर जाना बंद हो जाएगा, ये एयर प्रेशर डायरेक्ट जाएगा आपको लोड वेलो में, ये लोड वेलो में डायरेक्ट एयर प्रेशर जाएगा, और ये जो
लिफ्ट वेलो था, लिफ्ट वेलो एयर प्रेशर कट हो जाएगा, लिफ्ट वेलो का जितना एयर था वो डायरेक्ट आके यहाँ से रिलीज हो जाएगा एटमोस्फियर में थ्रू लिफ्ट एक्सल कंट्रोल वाल्व, और सप्लाई जाएगा दोनों लोड वेलो में। जैसे लोड वेलो में सप्लाई गया और वो धीरे धीरे अब जमीन में टच हो जाता टायर और वो बराबर लोड ले लेता है। जैसे आपको बराबर लोड ले लेता है तो इसी तरह आपको लोड वेलो कैसे काम करता है, लिफ्ट वेलो कैसे काम करता है। जैसे आप सामान खाली हो गए गाड़ी से तो ऑटोमेटिक लोड सेंस करना बंद कर देता है, बंद करने से ये कनेक्शन भी बंद हो जाता है, बंद होने से यहाँ सेंसिंग बंद हो गए तो ये जैसा एयर दे रहा था लोड वेलो को वो एयर देना बंद कर देते हैं, बंद करके फिर आपको लिफ्ट वेलो में एयर सप्लाई करते हैं। फिर लिफ्ट वेलो में जैसा एयर सप्लाई होगा तो इसका जितना एयर था एक रिलीज वाल्व से तुरंत रिलीज हो जाएगा और लिफ्ट वेलो इसको एक्सेल के ऊपर तरफ उठा लेगा। तो ये था वो फंक्शन से है, और इसमें दो तीन कंडीशन भी अप्लाई किया हुआ है। वो कंडीशन क्या है, जैसे आपको ड्राइवर जो पैनल है वो ड्राइवर पैनल में एक एडिशनल स्विच दिया रहता है। जैसा लिफ्ट एक्सेल जो है, लिफ्ट एक्सेल का टायर कभी पंचर हो गया या आपका जो लोड बेलो है वो कभी खराब हो गया, लीकेज हो गया, तो ये लीकेज होने से क्या होगा, अगर गाड़ी में लोड नहीं भी रहेगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, या लोड बेलो लीकेज है तो बराबर लोड शेयर नहीं कर पाएगा। सो ये सब प्रॉब्लम अगर कभी ये सिस्टम लिफ्ट एक्सेल का सिस्टम में हुआ तो ड्राइवर क्या कर सकते हैं, ऑटो यहाँ पे एक स्विच कनेक्शन रहता है, वो स्विच ऑन करने से क्या होगा, लिफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिक आपको जमीन से ऊपर खींच लेगा। और लिफ्ट एक्सेल का जो लोड सेंसिंग कैपेसिटी है, वो लोड सेंसिंग कैपेसिटी आपका जो लिंकेज है, लिंकेज के द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना लोड में वो अप डाउन करना है लिफ्ट एक्सेल को। और आपका जो लिफ्ट एक्सेल में जो लोड बेलो है, जैसे कभी कभी लोड बेलो में उतना प्रेशर नहीं रहता है तो मेन मतलब सस्टेन करने के लिए उतना प्रेशर नहीं रहता है, कभी कभी लिफ्ट वाइब्रेट होता है जाते जाते, सो वाइब्रेशन को रोकने के लिए वाइब्रेट क्यों होता है, क्योंकि ये जो लोड बेलो है लोड बेलो में सफिशियंट एयर प्रेशर नहीं रहता है। सफिशियंट एयर प्रेशर अगर नहीं रहेगा तो वो चलते चलते वाइब्रेट होगा या छोटा गड्ढा आएगा तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, ऐसा बंप मारेगा। सो उसी के लिए अगर लोड बेलो में आपको एयर प्रेशर बराबर एडजस्ट करने का भी सिस्टम आपको लिफ्ट एक्सेल कंट्रोल वाल्व में है, अगर आपको जरूरत है तो उसमें से कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो है, मैं बताया था जो रिवर्स, जैसा गाड़ी फॉरवर्ड चलते तो लिफ्ट एक्सेल अगर गाड़ी में लोड है तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं, तो अगर लोड गाड़ी में हम लोग रिवर्स गियर डालते हैं तो ऑटोमेटिक लिफ्ट एक्सेल अप हो जाते हैं। एक क्यों होता है, एक कारण क्या है, तो इसके पीछे ये रीजन है। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, जो लिफ्ट एक्सेल में जो चलता है वो फ्रंट डेड एक्सेल रहता है लिफ्ट एक्सेल के अंदर, लिफ्ट एक्सेल को स्टीयरिंग सिस्टम उसमें नहीं है, पर ऑटो स्टीयर के लिए है एक स्टेबिलाइजर लगा रहता है। ये दोनों लिफ्ट एक्सेल का एक टायर होता है, यहाँ पे एक स्टेबिलाइजर लगा रहता है, और ये वाला लिफ्ट एक्सेल का टायर होता है, यहाँ पे एक स्टेबिलाइजर लगाता है। सो ये स्टेबिलाइजर क्या करते हैं, लिफ्ट एक्सेल को सेल्फ सेंटरिंग करने का काम करते हैं। जैसे हम लेफ्ट साइड जा रहे तो लेफ्ट साइड के हिसाब से वो थोड़ा सा टर्न ले जाता है ऑटोमेटिक, जैसे गाड़ी सीधे जा रहे तो लेफ्ट साइड से ऑटोमेटिक वो बीच में आ जाता है, यानी वो सेल्फ सेंटरिंग का काम करते हैं, बीच में एक स्टेबिलाइजर रहता है। कभी कभी आप गाड़ी में देखे होंगे जो गाड़ी चल रहा है पर लिफ्ट एक्सेल कभी दाएं मोड़ के रखा है, यानी लिफ्ट एक्सेल कभी बाएं मोड़ के रखा है, ऐसे मतलब कंडीशन में आप देखेंगे। सो ये इसके एक ही कारण है, बीच में जो स्टेबिलाइजर है गाड़ी को, मतलब सो लिफ्ट एक्सेल को व्हील जो दोनों है उसको सेंट्रलाइज करने के लिए जो स्टेबिलाइजर है वो स्टेबिलाइजर खराब हो गया, तो इसीलिए बराबर सेंटर नहीं हो पाता है। तो अब आते हैं पॉइंट में, जो रिवर्स गियर डालने से लिफ्ट एक्सेल क्यों ऊपर तरफ लिफ्ट अप हो जाता है अगर गाड़ी में लोड रहा तो उसके की कारण है, क्योंकि ये जो स्टेबिलाइजर लगा रहता है वो स्टेबिलाइजर सिर्फ व्हीकल जो व्हील है व्हील को सिर्फ जैसे आगे तरफ जा रहा था उसी कंडीशन में वो स्टेबिलाइज कर पाता है। जैसे गाड़ी रिटर्न जा रहा है मतलब पीछे तरफ जा रहा है तो उस समय वो स्टेबिलाइज नहीं कर पाता है। सो इसीलिए गाड़ी में ऐसा सिस्टम लगा गया है, जैसे आप रिवर्स गियर लगाएंगे गाड़ी में लोड रहा नहीं रहा तो ऑटोमेटिक लिफ्ट एक्सेल ऊपर तरफ लिफ्ट अप हो जाते हैं। अगर जैसा फ्रंट रिवर्स गियर निकल के न्यूट्रल कर दिया या दूसरा गियर डाल दिया तो तुरंत फिर लिफ्ट एक्सेल आपका लोड में आ जाता है, इसीलिए रिवर्स गियर में लिफ्ट एक्सेल को लिफ्ट अप के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और ये था लिफ्ट एक्सेल के बारे में आपको जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।